एक थोड़ा सा आदरणीय भाई जी ने कुछ निर्गुण के विषय में बताया था। अब पूरी तरह से तो निर्गुण नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग प्रयोग आप लोगों को सुनने को मिलेगा। बिल्कुल। आदरणीय संजय भैया, ये गीत पहली बार इंटरनेट में जा रहा है। चलो झोंको। एक गीत बजा था, अच्छा। ला पिला दे और भी भर के जा, सा किया दे कि पीने वालों पे लिख दे मेरा नाम और जा टपका सरा की आँख से छलका आंसू और जा टपका सरा आँख से छलका आंसू और जा टपका सरा आँख से छलका आंसू और जा टपका सरा। बड़े भैया, बड़े भैया अग्रज दीपक भैया, कीर्तन पोखरण का मैदान है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अजय अनुरागी इसमें एक परीक्षण करने जा रहा है। बिल्कुल। और अगर कुछ बन जाए तो सवाब का आशीर्वाद। बिल्कुल, सवाब का आशीर्वाद वो अलग बात होगी, क्योंकि कोशिश करता है अजय अनुरागी की कुछ अलग आए। और कमल भैया, कमल किशोर भैया, आप चुप्पे चुप्पे बैठे हो। आइए, आपका स्वागत है। पंक्तियां सुने सुने। आजकल अगर हम आपसे पूछे कि सबसे प्रिय खेल आपके लिए कौन सा है, किसे देखना आप पसंद करेंगे, तो हो सकता है दीपू भैया आपका आंसर हो क्रिकेट। सिर्फ क्रिकेट मैदान में नहीं खेला जाता, अरे हमसे आपसे ऊपर है भगवान, और हमसे आपसे पहले वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब कैसे खेल रहे हैं, मैंने कहीं एक दो पंक्तियां किसी कवि की पढ़ी थी, बस सोच वहीं से बदल गई। क्रिकेट जहां श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में होता है, वैसे देखिए क्रिकेट एक अलग क्रिकेट हो रहा है, लेकिन किसके किसके बीच में हो रहा है देखिएगा। जिंदगी मौत का जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है। ए! दो टीमें लगी है डॉक्टर साहब,
एक टीम है जिंदगी की तो दूसरी यमराज की टीम। जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है जिसमें यमदूत कर रहा बॉलिंग, यमदूत कर रहा बॉलिंग और बैटिंग करता इंसान है। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। यमदूत कर रहा बॉलिंग और बैटिंग करता इंसान है तो जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है। अब इसमें ये नहीं है कि मैंने ताश के पत्तों जैसे कुछ नाम लगाए, मैं ये खेल खिला रहा हूं क्रिकेट का, वो भी जिंदगी और मौत के बीच में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्रिकेट कैसे हो रहा है भाई, उसमें तो कई तरह से आउट दिया जाता है, कई तरह से बॉलिंग होती है, स्टंप होते हैं, विकेट होता है, सब कुछ होता है, कहां से आएगा? तो देखिए बताने का प्रयास कर रहा हूं। कर कर्म का बल्ला, इंसान के हाथ में कर कर्म का बल्ला और यमराज के हाथ में बना काल बाल है। काल मतलब समय। कर कर्म का बल्ला बना काल बाल है और गुड़ तीन विकेट है ऐसा ख्याल है। गुण तीन विकेट कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही तीन स्टंप हैं। तो कह रहा हूं गुण तीन विकेट है ऐसा ख्याल है। अब जिंदगी मौत के क्रिकेट में रन कहां से आ रहे हैं देखिए। सुनिए, रन बने जरूरत, इसी के लिए लोग रन किया करते हैं। रन बने जरूरत जिससे है शोहरत, किसी से है शोहरत। रन बने जरूरत जिससे है शोहरत, हर व्यक्ति यही सोचता है। पड़े चौके छक्के, यानी मोटी से मोटी रकम हाथ लग जाए। क्या पड़े चौके छक्के तो पूरी हो हसरत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे इतना तो ठीक है, लेकिन आगे कैसे क्या होगा? तो सुनिएगा, बता रहा हूं। पड़े चौके छक्के तो पूरी हो हसरत, तो यमराज है विकेट कीपर, यानी यमदूत बॉलिंग कर रहा है और यमराज विकेट कीपिंग कर रहा है। देखिए, यमराज है विकेट कीपर, यमराज है विकेट कीपर और अंपायर भगवान है। धन्यवाद। आखिरी फैसला उसी का मान्य है। यमराज है विकेट कीपर तो अंपायर भगवान है। जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है। अगली पंक्ति सुने, सुने। अब क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग, स्लो बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग होती है, तो देखिएगा प्रयास कर रहा हूं कैसे। जब मौत बॉलिंग करता है तो होता क्या है? कोई स्पिन से हारा,
स्पिन स्लो में आता है। बहुत से दद्दू लोग हैं जो खा पी के बैठे वो आउट आउट। कोई फास्ट का मारा 80 की स्पीड में जा रहे आउट आउट। कोई स्पिन से हारा, कोई फास्ट का मारा, अगर बचा है इनसे तो आया दोबारा, तो आया दोबारा, तो आया दोबारा। दीपक भैया, मौत ने कहा आउट, लेकिन अंपायर ने कहा रिव्यू, और जब उसने देखा तो नॉट आउट, और जब नॉट आउट तो फिर से वापसी। इसलिए सुने, गर बचा है इनसे तो आया दोबारा, बैटिंग और बॉलिंग जय हो जय, होती लेफ्ट और राइट है जय हो जय। पता नहीं मौत इधर से आ जाए कि इधर से, बैटिंग और बॉलिंग होती लेफ्ट राइट है, उससे वनडे तो देखा होगा, लेकिन व्यक्ति का जीवन मरण इसी 7 डे में हो जाता है। 7 डे क्रिकेट चले डे नाइट है, और ये क्रिकेट में भी लागू है डे नाइट लेफ्ट राइट। तो 7 डे क्रिकेट चले डे नाइट है। तो एक बात कह रहा हूं, इस मातृभूमि की पिच पर, इस मातृभूमि की पिच पर लगा रहे जी जान है, और जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है, जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है, जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है। ये आधुनिक कीर्तन है, आनंद भी आएगा, कुछ सुनने को मिलेगा, बात भी बनी रहेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अजय भाई कैसी बातें कर रहे हैं, और क्या इसमें तो कई तरीके से आउट दिया जाता है, स्टंप आउट, कैच आउट, ये सब कहां से आएगा। तो सुने सुने, जब यमदूत बॉलिंग करता है और इंसान बैटिंग कर रहा है तो कभी कभी होता क्या है, सुने सुने। LPW को केशव भैया जाना नहीं, अभी नहीं, अभी आप रुकिए, खंड गीत सुनने के बाद जाइएगा। LPW को दिल का दौड़ा मानो, अचानक बॉल आती है और लग जाती है, और दिल का दौड़ा भी अचानक ही आता है, इसलिए LPW को दिल का दौड़ा मानो, और रन आउट हुए तो दुर्घटना जानो, दुर्घटना जाने, दुर्घटना जाने। यानी सफर कर रहे हैं वो आउट आउट, साथ ही साथ मृत्यु का मतलब जय हो जय। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग शतक लगा चुके हैं उम्र का, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शतक लगा चुके हैं, मस्त हो गए शरीर से और यही सोच रहे हैं हम अपना काम कर चुके हैं, आउट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कह रहा हूं। क्या मृत्यु का मतलब स्टंप आउट है, मृत्यु का मतलब स्टंप आउट है, ओ कैच कैच आउट वीर गति। अरे कर्म तो मैंने किया लेकिन सीमा पर कैच कर लिया गया तो मेरी क्या गलती, कैच आउट वीर गति नहीं इसमें डाउट है। लेकिन एक बात,
हिट आउट में समझो अपनी, मतलब अपनी गलती के द्वारा जो लोग आउट होते हैं। हिट आउट में समझो अपनी, करते जान कुर्बान है। बहुत लोग सेल्फ-हार्म से काम चला लेते हैं तो बहुत से लोग फांसी लटक जाते हैं, मतलब खुदकुशी। हिट आउट में समझो अपनी, करते जान कुर्बान है। तो लेकिन एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो तालियां जरूर मारिएगा। हाँ बिल्कुल। है नॉट आउट वो जिनका, है नॉट आउट वो जिनका जीवित नाम महान है। जिन्हें हम आप अमर शहीद कहते हैं उनके आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखेंगे। है नॉट आउट वो जिनका जीवित नाम महान है। तो जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है। जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है। अब दीपू भैया, अब अगर अमर शहीदों की बात आई है तो गाया है बम्बई वालों ने, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कशिश राठौर, वीडियो कशिश राठौर स्टूडियो का आदरणीय बड़े भैया को, संजय भैया को हृदय से नमन कर रही हूँ और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। आपने संपूर्ण रात भर हम दोनों कलाकारों का रिकॉर्डिंग की है और आप इस रिकॉर्डिंग को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है और आप वास्तविक धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए आपको नमन कर रही हूँ। आई गए गौर गीत दिया है आपने, गीत के पहले आपने एक शेर कहा है ना, ये जवाबी है, सुनना पड़ेगा। आप जैसे ही खड़े हुए कह रहे थे कि नंदनी जी हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बेवफा है, लेकिन ना ये आपकी दुकान गलत है। नहीं बेटा, हम कह रहे हैं कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलती है। गीत दिया है आपने, अरे लापिला दे और भी भर के जा, लेता है कुछ हटके गाई है, गाया है, सुनिएगा। गीत आया आपकी ओर से, अरे दिल में चुभा
घर भी पिघल जाता है। अच्छा भैया, प्यार की आंच से पत्थर भी पिघल जाता है और सच्चे दिल से साथ दे तो नसीब बदल जाता है। प्यार की आंच से पत्थर भी पिघल जाता है, अगर सच्चे दिल से साथ दे तो नसीब भी बदल जाता है। प्यार की राहों पर मिल जाए अगर कोई सच्चा हम सफर, प्यार की राहों पर मिल जाए अगर कोई सच्चा हम सफर, तो कितना भी गिरा हुआ इंसान हो वो इंसान समझ जाता है। सुनिएगा, गीत दिया है आपने, जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है, जिंदगी मौत का क्रिकेट कैसा ये श्रीमान है, और यमदूत कर रहे बॉलिंग बैटिंग करता इंसान है। बढ़िया बात आप लाए हैं। पहली बात यह है कि आपका जो गीत है वो खेल से जुड़ा हुआ है, जीवन को आपने एक क्रिकेट के खेल से जोड़ रखा है। बस आपकी मेन पंक्ति यही है, जीवन कैसा है आपने क्रिकेट के माध्यम से बताया है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गीत दिया है। आइएगा, तो यहां से भी दुर्गेश नंदनी प्रयास कर रही है, जवाब कहां से ले सकता आ सकता है। जवाब की प्रज्ञा सुनिएगा, अरे खेल खेलता ईश्वर क्या ताल मारते हो। और ये 51 पदमुद्राएं इस छोटे से मंडल के संचालक सम्मानीय बड़े भैया विनय कुमार शर्मा जी की ओर से हमारे नाल पर संगत कर रहे चाचा जी महेंद्र चाचा जी के लिए है। आइएगा, वहां से क्रिकेट है तो यहां से देखिएगा जवाब कहां से निकाल के लाओगे। अरे खेल खेलता ईश्वर सभी के साथ, के खेल खेलता ईश्वर ये कैसा खेल कमाल है, एक अचंभित खेल खेल रहा है हमारे जीवन के साथ। जब खेल खेल रहा है तो अरे खेल खेलता ईश्वर ये कैसा खेल कमाल है, लेकिन मानव का जीवन ऐसा, आदरणीय डॉक्टर साहब, मानव का जीवन ऐसा जैसे होता फुटबॉल है। और ये सिद्ध कर दूंगी बेटी, बिल्कुल ये सिद्ध कर दूंगी, मानव का जीवन जैसा जैसे होता फुटबॉल है। सुनिएगा पहली पंक्ति, मानव का जीवन ऐसा जैसे होता फुटबॉल है, क्योंकि फुटबॉल में 10 खिलाड़ी रहते हैं और जब रहते हैं तो उन्हीं खिलाड़ियों को ले रही हूँ, और शरीर के कुछ ऐसे भाग हैं उन्हें भी जोड़ रही हूँ। सुनेगा, 10 इसमें खिलाड़ी, क्योंकि रामायण में एक चौपाई मिल रही है कि सवे नचावत राम गुसाई, जब ये चौपाई मिल रही है एक पंक्ति याद आ गई, दश इसमें खिलाड़ी
बगल में है तो हमारे शरीर में भी 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियां हैं। काम सब किसके इशारे पर चल रहा है? उस ईश्वर परमात्मा के इशारे पर, क्योंकि रामायण स्पष्ट कर रही है कि सवे नचावत राम गुसाई, क्योंकि अजय भैया दशीश में खिलाड़ी खेले जो निरंतर ये रहे जो दश में समय सभी लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि फुटबॉल में फुटबॉल एक गेम ही ऐसा है जिसमें दौड़ना है। जब दौड़ना है और क्या? वहां पर एक फुटबॉल का गेम चल रहा है और यहाँ पर मैं अपने जीवन की एक कहानी बता रही हूँ कि हम और आप बस दौड़ है इसमें हो जाए सब करते रहते हो जाए और गोल दाग करिए गोल दाग करिए मन भरते रहते यानी सभी लोग जोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, धन दौलत कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं और जब कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं तो सुनिएगा, अरे गोल लगाने के चक्कर में रुक बेटे रुक, हम लोगों के पास समय की पाबंदी है इसीलिए सबका बिगड़ा हाल है। क्या बात, भी आना जाना लगा हुआ है। अरे गोल लगाने के चक्कर में ये सबका बिगड़ा हाल है, तो मानव का जीवन ऐसा जैसे होता फुटबॉल है। आइएगा एक पंक्ति और दे रही हूँ, बैठा है जीव ये बना गोल कीपर, यानी कि मनुष्य का जो जीवन बताया गया है, जो फुटबॉल है जो गेंद है उस गेंद को मन माना गया है, जब मन माना गया है तो क्योंकि मन का पता नहीं चलता कब कैसा क्यों कहां हो जाए, इसीलिए क्योंकि मन बिल्कुल गेंद की तरह ही उछलता है, जब गेंद की तरह उछलता है तो कहना पड़ा क्या जीव ये बना गोल कीपर, और इस मन को कंट्रोल जो रखता है गेंद के ऊपर, और लेकिन हम और आप क्या भगवान और ऋषि और मुनि भी अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए, और जब नहीं रख पाए तो कहना पड़ा क्या? जो पकड़ ना पाए तो गोल है होता की गेंद की तरह, जो पकड़ ना पाए तो गोल ही होता, फिर बैठ खिलाड़ी मन ही मन रोता, अगर कुछ गलत हो गया तो मन ही मन
सोचता रहता है और जब सोचता रहता है तो कहना पड़ा। अरे दौड़ दौड़ कर एक दिन होता है खत्म बवाल है। जब अंतिम सांस पे आ जाता है व्यक्ति, अंतिम पड़ाव पर आ जाता है व्यक्ति, तो अरे दौड़ दौड़ कर एक दिन होता है खत्म बवाल है। इसलिए कहा गया है मानव का जीवन ऐसा